स्टेट ऑफ मैटर है जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ है, इसकी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट लॉज हैं। ये लॉज आपने एफएससी में पढ़े हुए हैं, जस्ट क्योंकि वो काइनेटिक थ्योरी और आगे जो हमने डेविएशन रियल गैस, तो थोड़े से इसलिए मैं बैक से आपको कह लें कि आपका रिफ्रेश कर रही हूँ दोबारा से, ये कि मैं ये आपने पढ़ी हुई चीजें कोई नई नहीं है, तो आप बेशक अपनी एफएससी वाली बुक से पढ़ लें, इसको रिवाइज कर लें, कुछ नहीं है। तो परफेक्ट गैस और आइडियल गैस जो है इज अ स्टेट ऑफ सब्सटेंस whose evaporation from the liquid state is completed, which obey all gas laws. ये इसको हम perfect या ideal gas कहते हैं, temperature और conditions पे। तो in reality there is no ideal or perfect gas. ये आगे भी बातें आएंगी जब मैं start करूँगी वहाँ से। तो हमारा जो है physical properties of a gas is controlled. आपको screen नजर आ रही है ना सबको? Yes ma'am. फिजिकल प्रॉपर्टी जो गैस की है दैट इज मोस्टली कंट्रोल्ड बाय थ्री वेरिएबल, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। सो प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर को नहीं ना हो रही, वो फिर वो थोड़ा सा अपना रिफ्रेश कर ले, वो उसका प्रॉब्लम होता है नेट का। अगर सबको ना हो रही ना फिर इधर से इशू होता है, अगर किसी एक आपको ना ना शो हो रही हो स्क्रीन तो फिर वो उसके उसके साइड पे नेट का प्रॉब्लम होता है। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ गैस इज कंट्रोल्ड बाय थ्री वेरिएबल्स, प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। और इनका जो है आपस में बिहेवियर क्या है, रिलेशन क्या है और किस तरह से ये गैस की प्रॉपर्टीज पे इफेक्ट करते हैं, ये थ्री लॉज थे जो कि एक्सप्लेन कर रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल बिहेवियर ऑफ अ गैस, ठीक है। तो ये थ्री बॉयल्स, चार्ल्स, ये उन्हीं के साइंटिस्ट के नेम पे ही हैं जिन्होंने काम किया इस पे, और उन्होंने आफ्टर द एक्सपेरिमेंट एक रूल जब डिफाइन कर दिया तो वो लॉ बन गया, ठीक है। जब वो वर्क कर रहे होते हैं किसी चीज पे तो वो सबसे जो बेसिक था ये बॉयल्स लॉ, ठीक है। बॉयल्स लॉ जो है एक्चुअली अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर था, टेम्परेचर इज कांस्टेंट एंड चेंज ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम, के पी इज इनवर्सली प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वन का मतलब इक्वल टू अ कॉन्स्टेंट, जैसे P1V1 इसका क्या मतलब है, बहुत सारे मॉलिक्यूल जब इसके अंदर है, जैसे ये गैस है, ठीक है, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर वो 5 था, जब फिर इंक्रीज करेंगे प्रेशर 2 से 5 की तरफ, प्रेशर जो है वो डबल से ज्यादा कर दिया तो वॉल्यूम जो है वो भी क्या होगा, ठीक है, इसको लिखते हैं कंप्रेशन कह रहे हैं, कंप्रेसिबिलिटी कह रहे हैं। सो बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर सेल्सियस, ये जो डिफरेंट टर्म्स होते हैं ना साइंटिस्ट के नेम, जैसे सेल्सियस टेम्पर वो ग्रेड है, वो आपका सेल्सियस के क्लार्क मैक्सवेल, मैक्सवेल की बहुत सारी कंट्रीब्यूशंस आती हैं, वंडरवाल फोर्सेस नाम सुनेंगे आगे कि बहुत सारी जगहों पे इसका आएगा भी डिटेल से, वंडरवाल वो भी साइंटिस्ट था, उसने थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन इसमें क्या इसके पार्टिकुलेट्स हैं। वन इज एवरी गैस कंसिस्ट ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स और एटम्स, और मॉलिक्यूल और एटम्स ऑफ द सेम गैस आर आइडेंटिकल एंड ऑल विद ऑल रिस्पेक्ट्स, दे हैव द सेम मास शेप एंड साइज बट differ from molecules of another gas.
गैस है वो उस गैस मॉलिक्यूल जो हम कहते हैं बहुत स्मॉल पार्टिकल्स पे होते हैं, और जितनी वो गैस, जैसे अगर किसी कंटेनर में ऑक्सीजन है तो वो सारे मॉलिक्यूल एटम जो है वो गैस की आइडेंटिकल होंगे और उनकी शेप मास साइज डिफरेंट जो है वो डिफर कर सकता है फ्रॉम मॉलिक्यूल्स टू, जब मॉलिक्यूल चेंज होगा, अगर मॉलिक्यूल चेंज नहीं है तो फिर दोबारा डिफरेंट है। गैस मॉलिक्यूल की मूवमेंट बहुत फास्ट, दे कैन मूव वेरी फास्ट इन ऑल डायरेक्शन। सेकेंड पॉइंट ये, एक तो ये बहुत टाइनी है और इन्होंने बहुत स्मॉल वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होता है। इनके बीच में जो है ना, पहला पॉइंट ये कि बहुत टाइनी, टाइनी वो स्मॉल है, इनके बीच में बहुत स्पेस है, ठीक है। और गैस मॉलिक्यूल ने जो है वो बहुत ज्यादा, जो एक मॉलिक्यूल का देखे ना, उसने बहुत थोड़ी जगह ऑक्यूपाई की होती है, तो ओवरऑल इनके बीच में बहुत सारी स्पेस होती है और इनकी मूवमेंट जो है वो बहुत फास्ट होती है, फास्ट मूवमेंट होती है और दे कैन मूव वेरी फास्ट इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। और मोस्टली ये कोलिजन है, जो इनकी मूवमेंट है वो स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन में होती है, कब तक, जब तक इनमें कोई कोलिजन ना हो और फिर ये अपनी डायरेक्शन बदले, ठीक है, तो फिर वो डायरेक्शन चेंज हो जाती है। सो कलेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड वॉल ऑफ कंटेनर आर परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है, ये वर्ड है इलास्टिक, इसका मतलब ये है कि जितनी अब ये कंटेनर में एक बन जो है वो, क्योंकि कैलकुलेशन आगे करेंगे विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर जिसमें गैस है, तो उसमें उसके अकॉर्डिंगली ये बात की गई है कि जो इसमें जो कोलिजन है वो इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन क्या होती है कि उसमें नो लॉस और गेन ऑफ एनर्जी, ठीक है, वो उसको हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन, कि जितनी एनर्जी से वो गया है उतनी से वापस आ गया, जैसे समझ लेंगे। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता, जितनी स्पीड से गया उतनी स्पीड से वापस आया, ठीक है। समटाइम ये था ना कि जब मॉलिक्यूल किसी चीज से स्ट्राइक किया है तो उसकी स्पीड कम होगी तो फिर वो इलास्टिक कोलिजन नहीं होगी। इलास्टिक कोलिजन मीन कि अगर वो टू की स्पीड से गया तो टू की स्पीड से वापस आए, ठीक है। अगर वो टू से गया और आया वापस 1.5 से, इट्स मीन कि इलास्टिक नहीं है, ठीक है। तो इलास्टिक कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी सिमिलर है, नो लॉस। अच्छा, और प्रेशर ऑफ अ गैस ऑन एनी सरफेस, प्रेशर क्या है, कोलिजन बम्बार्डमेंट ऑन द सरफेस बाय इट्स मॉलिक्यूल, यानी कि जो ये गैस मॉलिक्यूल मूव करते हैं दे अप्लाई अ फोर्स ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, या जहां पर भी उनका वो जो बाउंड्री है वो उसका प्रेशर होता है, तो अमाउंट ऑफ जो है वो फोर्स अप्लाई ऑन द बॉन्ड लाया जो उसकी वॉल्स है, दैट इज द प्रेशर। और वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल देमसेल्फ इज नेगलिजिबल, यानी कि वही वो स्मॉल मॉलिक्यूल है उनका जो वॉल्यूम है देमसेल्फ नेगलिजिबल है, और लेकिन जब बहुत ज्यादा कलेक्टिवली इसको हम स्टडी करते हैं तो एक का बहुत ज्यादा नेगलिजिबल है क्योंकि साइज बहुत स्मॉल है। सिक्स पॉइंट, देयर इज नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई रिपल्शन और कोई जो है वो नहीं है अट्रैक्शन, ठीक है, नो रिपल्शन नो अट्रैक्शन, बहुत कम है फोर्सेस, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती है ना मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूल में वो बहुत कम, इसीलिए इतनी कम होने की वजह से ही जो है वो इतना फास्ट मूव करते हैं ना, अगर तो उनकी फोर्सेस हो तो एक दूसरे, जैसे लिक्विड में फोर्सेस हैं वो बांधने वाले, सॉलिड में फोर्सेस और ज्यादा बाउंड है। और इन पे इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी भी बहुत कम है, ठीक है। सो ये दीज आर सेवन पॉन्चुलेट्स, दीज आर वेरी टाइनी मॉलिक्यूल्स, दे हैव सेम मास शेप एंड साइज, ये डिफर करते हैं अगर उनका वो जो है मॉलिक्यूल चेंज हो, और हर पॉसिबल डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। जब वो सिर्फ कोलाइड करते हैं, उनकी कोलिजन होती है, तब जो है वो चेंज होती है उनकी डायरेक्शंस। और प्रेशर क्या चीज है, फोर्स, वो जब इस मूवमेंट के दौरान instant molecule in a gas have different speed and hence different kinetic energy, average
काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेंपरेचर, यानी कि एक एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, एनर्जी से कैलकुलेट करते हैं और जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विद द टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, टेम्परेचर कम होगा काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। काइनेटिक इक्वेशन फॉर गैसेस, इसकी जो इक्वेशन है वो है एक्चुअली ये, प्रेशर वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 मॉलिक्यूल है, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल है ये, मीन स्केयर वेलोसिटी है एमसी स्केयर। तो ये डिराइव कैसे हुई ये सारी चीजें, ये डेरिवेशन जो है हम देखते हैं, ठीक है। ये मैंने कहा इसकी डेरिवेशन पास्टुलेट है, इसी इन्हीं पास्टुलेट्स की बेस पे इनकी डेरिवेशन। तो डेरिवेशन कैसे हो रही है ये एक आपको मैं और फाइल दिखाती हूँ, उसमें थोड़ा ज्यादा क्लियर है, थोड़ा स्लो स्लो चलेगा। ये अब जो मैंने खोला ये नजर आ रहा है, यस मैम आ रहा है, चेंज की है ना, ठीक है। अच्छा इसमें ये तो अब आपको ये गैस जो थ्योरी है इसकी डेरिवेशन है, ये थोड़ी सी एनिमेटेड सी है तो और थोड़ी सिंपल थी, इसलिए मैं इसको सिलेक्ट किया है। हम क्या कर रहे हैं, क्यूबिकल, ये क्यूबिकल में गैस जो है इक्वेशन, काइनेटिक गैस इक्वेशन इन अ क्यूबिकल, अच्छा कंटेनर, ठीक है, फील्ड ऑफ अ गैस। अब इस कंटेनर में इसकी लेंथ ए है, इसको ए कह दिया, ये लेंथ इधर, ये उसकी विड्थ विड्थ था, और इसमें एक्स एक्सिस वाई और जी। कंटेनर फिल्ड विद गैस मॉलिक्यूल, उस गैस मॉलिक्यूल का जो है मास है और ये उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, मास है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, और ये एक कंटेनर में फील्ड है, ठीक है। अच्छा ड्यू टू टेम्परेचर द गैस मॉलिक्यूल्स मूव इन रैंडम डायरेक्शन, ठीक है, सो से गैस मॉलिक्यूल्स मूव इन थ्री डायरेक्शंस, जैसे ये देखें ये गैस मॉलिक्यूल इधर को मूव किया, ठीक है, इसको इन पर्टिकुलर डायरेक्शन वी, ठीक है, ये गैस मॉलिक्यूल इन पर्टिकुलर डायरेक्शन वी, ये एक्स में भी हो सकता है, वाई में भी हो सकता है और जी में भी हो सकता है। सो इसकी वेलोसिटी को हमेशा उसी तरह से लिखते हैं, बी एक्स, बी एक्स डायरेक्शन, बी वाई, बी में स्पीड, वाई में जेड, ये देख रहे हैं ये इसका अगर एक्स, ये एक्सिस एक्स वाई जी, तो इसलिए भी हम इसकी वेलोसिटी को एक्स वाई जेड कह सकते हैं। लेकिन अब हम कैलकुलेशन के लिए हम स्पेसिफाई कर लेते हैं अभी फिलहाल कि ये एक एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, ये इधर को मूव कर रहा है, ठीक है, सो इसकी बी एक्स, बी एक्स ले रहा है, ठीक है, तीनों एक्सिस है, थ्री डायमेंशन अगर बॉक्स है, वाई, ठीक है, एक्स और जी, तो ये हम कहते हैं ये एक एक्स एक्सिस में हम कैलकुलेशन के लिए एक एक्स एक्सिस की तरफ ले रहे हैं, ठीक है। सो गैस मॉलिक्यूल्स जिसका मास है एम, एन नंबर है उनके गैस मॉलिक्यूल के, एक कंटेनर में फिल है और मूव करते हैं विद द स्पीड, ये स्पीड है। अब ये
लेकिन डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करते हैं तो फिर बहुत सारे होंगे. तो ये जब ये मूव करते हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में तो ये अप्लाई करते हैं फोर्स ऑन अ वॉल ऑफ द कंटेनर. तो ये जो फोर्स है, फोर्स ऑन अ वॉल ऑफ कंटेनर, इसको कहते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया. तो वो क्या है? प्रेशर. फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर. तो उसका प्रेशर जो है वो फोर्स पर यूनिट एरिया. ठीक है. सो दे अप्लाई अ फोर्स ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर. सो वी विल फर्स्ट फोर्स एग्जर्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल. तो ये फोर्स जो है प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया. फोर्स पर यूनिट एरिया हो गया. फोर्स जो कि मॉलिक्यूल में अट्रैक्ट कर रही है. ठीक है. ये देखें, ये इसकी डायमेंशन है ए बी. अब हम कहते हैं कि वो एक बॉल की तरफ जा रहा है एक्स एक्सिस की तरफ. ठीक है. तो वो उसकी वेलोसिटी हम कहते हैं कि वो एक्स बी एक्स है. अब ये मैंने जैसे भी कहा कि इसकी ये जो है वो बी एक्स बॉल स्पीड के साथ जा रहा है वी एक्स, और फिर वो वी एक्स के साथ ही वापस आता है. यानी कि जिन इलास्टिक, अभी हमने जो दूसरा पॉइंट कहा था ना कि काइनेटिक जो इसमें जो कोलिजन है वो इलास्टिक है, कि जितनी स्पीड से वो जा रहा है उतनी स्पीड से वो वापस आ गया. तो उससे क्या होगा कि वॉल्यूम जो है वो सॉरी नो लॉस ऑफ जो है काइनेटिक एनर्जी, तो इलास्टिक कोलिजन है. मूवमेंट चेंज हुई है. सो डेल्टा पी, जो डेल्टा पी है वो उसको जितनी स्पीड से वो गया है वापस आया, उसको अगर एक दफा गया प्लस माइनस करेंगे तो ये आएगा डेल्टा पी इज इक्वल टू टू फोर्स, ये इसकी मास और वॉल्यूम. फोर्स इज इक्वल टू एम बी, मोमेंटम इसका एम बी होता है ना. उतनी वो से गया है और उतने ही से सेम स्पीड अंदर अब अगर हम नंबर ऑफ एन पे करेंगे तो वो उसके अंदर ऐड करेंगे नंबर ऑफ एन. तो डेल्टा पी, डेल्टा पी जो है एक्चुअली आपका क्या है, मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम. मोमेंटम है एम, मोमेंटम होता है जो एक्चुअली मास ऑफ मॉलिक्यूल, जितनी उसकी मोशन हो रही स्पीड से, मास इनटू बी. तो ये क्योंकि इलास्टिक है मोमेंटम, तो वो मोमेंट तो जितना एम बी जितनी स्पीड से वो गया है, और ये डेल्टा पी इससे डिफरेंट है. ठीक है. ये चेंज इन मोमेंटम, ये डेल्टा पी इज चेंज इन मोमेंटम. मोमेंटम मोमेंटम इज मोमेंटम जो है वो मूवमेंट, मेजर ऑफ मूवमेंट. ठीक है. तो जितनी ये मास ओवर स्पीड मल्टीप्लाइड बाय स्पीड होता है, मेजर होता है ये कितनी स्पीड, यानी कितना मास कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, दैट इज द मोमेंटम. सो चेंज इन, ये जितना एक दफा गया बी एक्स आई होगा, तो दूसरी दफा आएगा तो वो उसका जो है इनिशियल और फाइनल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू एम बी एक्स, एम बी होता है ये. और एन अगर हम उसमें ऐड करेंगे तो ये माइनस टू एम बी एक्स. फोर्स में हम फोर्स जो है अच्छा चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, अगर हम टाइम का फैक्टर उसमें देते हैं कि जो है टाइम क्या है, तो वो उसको डिवाइड करेंगे चेंज इन मोमेंटम ओवर टी. सो टी पे इसको डिवाइड करेंगे. डेल्टा एफ जो है वो इक्वल टू डेल्टा पी ओवर टी, और टी जो है दैट इज टू और
ये कितने लेंथ में मूव कर रहा है और क्या उसकी स्पीड है एंड रिटर्न बैक. सो वी आर अज्यूमिंग दैट टी जो है टाइम इज कितना टाइम उसने दिया. ठीक है, एक कोलिजन के लिए कितना टाइम दिया, एक दफा गया और वापस आया, दैट इज द टाइम फॉर वन कोलिजन. तो टू और ए पूरी जितनी उसकी ए है लेंथ है डिवाइडेड बाय स्पीड एक्स. एक्स इसलिए लगा रहे एक डायरेक्शन में कर. सो टी एफ इसमें ये टी की वैल्यू पुट करेंगे टू एम एन बी एक्स टू ए बाय बी एक्स. इसको सॉल्व किया जाए अगर तो माइनस टू एम एन बी एक्स का स्क्वायर ये ऊपर चला जाएगा ना टू ए टू बाय टू से कट जाएगा टू टू से कट जाए पर वन मॉलिक्यूल तो फोर्स ऑन वॉल इज इक्वल टू ये पॉजिटिव है क्योंकि ये फोर्स है तो ये पॉजिटिव होगी तो ये एन एम एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए. टू खत्म हो गया. अब जो है वो प्रेशर जब इक्वल टू प्रेशर किसके इक्वल है फोर्सेस ऑन वॉल बाय एरिया. एरिया क्या था ए स्क्वायर. ए स्क्वायर क्यों लिया कि वो ये जो है आ रहा है डबल में सिंस इट इज अ क्यूबिक एरिया इज ए. So this give us n m v x square on a cube and a cube. और अगर इसकी हम different valences की तरफ चलते हैं कि ये different की तरफ v x तो ये p v is equal to volume का n m x v x square. वो अगर different velocity v x to v y और v z कर दें तो वो different हो जाएंगी. डिवाइडेड बाय ये थ्री हो जाएंगे. ये देखे ना वी ये थ्री डायमेंशन में अगर हम करते हैं वी एक्स वी फोर वी स्क्वायर तो थ्री वी एक्स स्क्वायर तो डिवाइडेड बाय थ्री पी वी इज इक्वल टू वन बाय थ्री एन एम और वी स्क्वायर. वी स्क्वायर जो है एम एन वी स्क्वायर ये स्पीड है और इसको आर एम एस स्पीड भी कहते हैं बिकॉज इन दिस डेरिवेशन वी हैव कंसिडर आर वी एक्स वी वाई एंड वी जेड. ठीक है, सो इसको आर एम एस स्पीड भी कहते हैं. तो पी वी इज़ इक्वल टू वन थ्री. सो इट्स अ डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक गैस थ्योरी. ये सिंपल थी. मैं आपकी बुक के रेफरेंस से जरा देख लूँ इसमें किस तरह इसी तरह से है कंटेनर. ठीक है, अगर यहाँ से करनी है तो बी की जगह यू लिखा हुआ है एक ही बात है स्पीड या यू कहीं पे आपको बी के साथ नजर आ रहा होगा कहीं से यू के साथ आएगा. मास बाय एक्सेलरेशन उसमें जो है वो वैल्यूज लगाई ये कैलकुलेशन. ठीक है, हाँ जी कोई क्वेश्चन यहाँ तक अगर है डेरिवेशन.